सही नहीं, आवश्यक है। वह इसलिए कि एक तो हिंदुत्व के बारे में लोगों ने या हिंदुत्व के विरोधी लोगों ने अपप्रचार किया है जी। उन्हें ऐसा लगता है कि हिंदुत्व यानी किसी विशिष्ट कौम के विरुद्ध जी आवाज उठाना है। वह नहीं है, वह नहीं है। हिंदुत्व का सीधी परिभाषा हम लोगों की यह है कि जो भी इस मट्टी को, इस माटी को, भारत माता को अपनी माता कहे वो हिंदू। इतनी सिंपल परिभाषा। यहाँ पे जन्म हर व्यक्ति हिंदू है, यहाँ पे जन्म हर व्यक्ति हिंदू है, और जो इस माटी को, इस भारत माता को अपनी माता मानता है वो हिंदू है। इसमें क्या गलत है? पाकिस्तान में सभी धर्म के लोग रहते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुआ पाकिस्तानी होता है, अमेरिका में पैदा हुआ कोई वह चाहे कोई किसी भी धर्म का रहे वो अमेरिकन रहता है। वैसा भारत में जो भी पैदा हुआ वो हिंदू है, हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ वो हिंदू है या भारतीय है, इसमें गलत क्या है? लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, कुछ लोगों के मन में यह गलत धारणा बैठा दी है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा यानी वो डर का माहौल पैदा करेगा। हिंदू एक संस्कृति ऐसी है जिसने कभी अराजकता धर्म के नाम पर कहीं पे भी नहीं फैलाई है। यदि वह अराजक रहता था, हिंसावादी रहता था, तो बहुसंख्य रहने के बाद में भी आज भी वह सहिष्णुता के साथ उसके धर्म के ऊपर आघात होने के बाद में भी हिंसक प्रतिक्रिया देने में आज भी हिचकिचाता है। यह हमारे हिंदुत्व की महानता है। इसलिए हिंदुत्व से डरने का कोई कारण नहीं, और हिंदुत्व के बारे में जो भ्रम फैलाते हैं लोग, उनकी मैं कड़े शब्दों में निर्भरता न करता हूँ।